पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। कुछ ही घंटों का वक्त है जब हमारा गर्व यानी कि हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। मुंबई के नेहरू प्लेनेटेरियम में मौजूद हूं। मेरे पीछे खूबसूरत सा जो चांद आप देख पा रहे हैं, इसको लेकर तमाम सवाल लोगों के जहन में है कि आखिर हमारा चंद्रयान 3 कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्या कुछ इसकी खूबियां है, कैसे ये पूरी तरह से काम करता है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए स्पेस गाइड चिंतन जोशी जी हमारे साथ है। चिंतन जी, बहुत स्वागत है आपका। हम खास तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं आपसे ढेर सारे सवाल पूछने, ढेर सारी जानकारी लेने। तो सबसे पहले अगर आप हमें समझा पाएं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो किन मायनों में खास है और कितना वक्त और लगेगा उसे मून पर लैंड होने के लिए। देखिए, चंद्रयान 3 है वो जो काम चंद्रयान 2 का एक छोटा सा भाग नहीं कर पाया था जी। उस भाग को पूरा करने के लिए, उस काम को कम्प्लीट करने के लिए हमने चंद्रयान 3 भेजा है वहाँ पर जी। तो वो विक्रम लैंडर से लैंड करने के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से अलग होगा, प्रज्ञान रोवर, और वो वहाँ पर जो है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप अगर दिखा पाएं इनको, तो जो साउथ पोल है मून का जी। जहाँ पर बहुत सारी सनलाइट नहीं आ पाती क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें टेढ़ी पहुँचती हैं। जैसे पृथ्वी पर एंटार्क्टिका है, नॉर्थ पोल है जहाँ बहुत सारी बर्फ होती है, इसी तरह यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं, टेढ़ी पहुँचती हैं। तो जो जब चंद्र का निर्माण हुआ तब से लेकर वहां से जो बर्फ है, वाटर आइस है, वो एज इट इज है। अच्छा। तो वहां पर वो उतरेगा साउथ पोल पे। अच्छा। और वहां पर कौन से रेयर एलिमेंट्स हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते या काफी कम प्रमाण में पाए जाते हैं, इनका अभ्यास वहां पर होगा। अच्छा, तो चिंतन जी बता रहे हैं कि ये जो ये चंद्रमा का एक रेप्लिका एक तैयार किया गया, जो साउथ पोल है वहां पर हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। मुझे एक ये सवाल आपसे पूछना है कि क्या हम भारत से पहले किसी देश ने वहां पर लैंड किया है अपने चंद्रयान? जी नहीं, वहां पर जो है जनरली जो लैंडिंग हुई है अब तक जितनी आप कंट्रीज पकड़े वो इक्वेटर एरिया के आसपास हुई है। अच्छा। साउथ पोल पे अभी तक किसी की भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई है। उसका मुख्य कारण ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंचती तो वहां पर तापमान में काफी गिरावट होती है। कभी कभी तापमान -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच पाता है। ऐसे कंडीशन में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनके लिए काम करना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है, फ्रीज होते हैं, डिफिकल्ट होता है। तो वो एरिया में लैंडिंग करना, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग करना विदाउट डैमेज, और वहां पर इक्विपमेंट्स को कार्यगत रखना, कंटिन्यू रखना कैपेबिलिटी में, और फिर रिसर्च करना 14 दिन तक, ये बहुत बड़ा टास्क है। चिंतन जी, जो हमारा चंद्रयान है वो जब चांद की सतह पर पहुंचेगा तो जो आखिरी के 18 मिनट जो मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो ऐसा क्या होता है आखिरी के 18 मिनटों में और क्यों इतना वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी है? देखिए, जैसे नॉर्मल एरोप्लेन होता है, हम उसमें कहते हैं कि टेक ऑफ इज वेरी इजी, लैंडिंग इज टू डिफिकल्ट। लैंडिंग काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें वातावरण का बहुत बड़ा सहभाग होता है। तो चंद्र के साथ भी कुछ ऐसा है कि जब आप लैंडिंग करते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर निग्लेजिबल है, पर थोड़े बहुत प्रमाण में आपको ड्रैग मिनिमम तो आपको मिल सकता है। उसके ऊपर कि आप वहां जाकर, जैसे एरोप्लेन में आप ह्यूमन से कंट्रोल कर सकते हैं, वहां कोई ह्यूमन मौजूद नहीं है, तो आपको यहां बैठे बैठे उपकरणों को इस तरह का आदेश देना होता है कि वो प्रॉपर लैंडिंग कर पाए। और जो चंद्र की जमीन है वहां पर भी बहुत सारे पहाड़ है, क्रेटर है जैसे कि आपने देखा, तो वहां पर भी एक सेफ स्पॉट ढूंढना, प्योर पैरेलल लैंड ढूंढना। मुंबई के गड्ढों से तो हम ऐसे परेशान होते, चांद पर इतने सारे गड्ढे हैं, तो हमारा जो चंद्रयान है क्या गड्ढों से प्रभावित होगा और क्या कितना इफेक्ट करेगा? क्योंकि चंद्रमा पर आमतौर पर हम गड्ढे देखते हैं, रेप्लिका में भी देखिए कि पूरी तरह से गड्ढों से भरा है, तो क्या गड्ढे इफेक्ट करेंगे इसको? जी, गड्ढे तो है वहां पर, अगर आपका जो लैंडिंग पॉइंट है वहां पर वो कहीं उसकी जगह कहीं और शिफ्ट हो चुका है अगर वो, तो उसको इफेक्ट हो सकता है। बट हमें पूरी ऐसी आशा है कि ऐसा नहीं होगा, जहां पर इन्होंने डिसाइड किया है वहीं पर इस समय इस बार लैंडिंग होगी। चिंतन जी, एक अगर आप थोड़ा सा डेमो के जरिए हमें समझा पाएं कि हमारा जो चंद्रयान है वो कैसे बढ़ रहा है और मून की किस सरफेस पर और कैसे पहुंचेगा अपने लेजर के जरिए। देखिए, चंद्रयान जो 3 है वो यहाँ उसका जो लैंडर है साउथ पोल में वहां लैंड करने वाला है। लैंडर लैंड होने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों कुछ घंटों के बाद, उसमें से प्रज्ञान रोवर अलग हो जाएगा। तो प्रज्ञान रोवर अलग होकर, जैसे मैंने आपको कहा, रेयर एलिमेंट्स की खोज करेगा, जमीन के नीचे जो पानी है, वाटर आइस है, उसकी खोज करेगा। एंड जो लैंडर है वो वहां सिर्फ, उसका काम ये नहीं होगा कि रोवर को अलग करे, वो लैंडर भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करने वाला है। लैंड होने के बाद जो चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं, जैसे पृथ्वी पर आते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, उसकी भी स्टडी की जाएगी। उसके बाद जो चंद्र का क्रस्ट है एंड मेंटल है वो एग्जैक्टली कहाँ से पास होता है, हालांकि सारी जानकारी उपलब्ध है, फिर भी उसको और एक्यूरेट और प्रिसाइज करने का वो काम करेगा। अच्छा। उसके अलावा चंद्र की जो पृष्ठभाग है, सरफेस है, वहां पर थर्मल जो हीट कंडीशंस हैं वो कैसे फ्लो होती है, प्लाज्मा का क्या इफेक्ट वगैरह होता है, तो वो विक्रम लैंडर स्टडी करेगा। जी जी।
अगर आप मुझे समझा पाए कि हमारा चंद्रयान, जैसे ये चंद्रमा है, हमारा चंद्रयान कितनी दूरी पर अब तक पहुंचा है? अगर आप कुछ फ्यू किलोमीटर्स दूर है, उसके बाद कल शाम को 6:45 या 6 के आसपास वहां पर लैंडिंग होगी, तो फ्यू किलोमीटर से और लैंडिंग करते समय उसकी जो स्पीड है वो काफी हद तक कम कर दी जाती है, क्योंकि हम जानते हैं चंद्र का जो आकार है वो पृथ्वी की तुलना में कद काफी छोटा है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो भी कम होगी वहां पर उसके मास के भी कारण, तो हमें उसकी स्पीड बहुत हद तक कम करनी होगी, फ्यू मीटर पर सेकंड से लेकर ऑलमोस्ट जीरो तक। एंड जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चंद्र का पृष्ठभाग दर्शाया है, तो वहां पर भी बहुत सारे खड्डे वगैरह हैं, पहाड़ हैं जैसे पृथ्वी पर हैं, तो उनमें से कोई सेफ स्पॉट ढूंढने के बाद वहां पर लैंडिंग की जाएगी। और इसकी चंद्रयान की स्पीड कैसे कम की जाएगी? चंद्रयान की स्पीड है जो प्रोपल्शन सिस्टम से अलग होने के बाद उसकी जो स्पीड है, उसके अंदर भी जो उसके जो लेग्स हैं वहां पर सब मैकेनिज्म एक साथ काम करके उसके पावर्स को कम ज्यादा करने के बाद वो स्पीड कम की जाएगी, थ्रस्ट वगैरह। और जैसे कि चंद्रयान 3 जब उतरेगा इस सरफेस पे, तो कौन से दिशा में, मतलब एक जो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, और जब बाकी इक्विपमेंट्स अलग होंगे तो उन चीजों का क्या होता है? वही मैंने आपसे कहा, विक्रम लैंडर कर कहीं उतरा है तो उतरने के बाद कुछ समय के बाद वो प्रज्ञान रोवर को खुद से अलग करेगा। प्रज्ञान रोवर जो है वो एक जो है एक कुछ सेंटीमीटर पर डे में वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, कुछ दूरी तय करेगा और वो 14 दिन तक काम करेगा प्रज्ञान रोवर। और विक्रम लैंडर जैसे मैंने आपको कहा, लैंड होने के बाद जो सिस्मिक एक्टिविटी से उसकी स्टडी करेगा, क्रस्ट और मेंटल को दोबारा डिलाइन करेगा, जो है वो कहाँ से पास होते हैं, एंड थर्मल पावर्स की स्टडी करेगा चंद्र की जमीन के ऊपर। जोशी जी, अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा पाए, ये मैं एक सरफेस देख पा रही हूँ चंद्रमा का, जो उपकरण है ये चंद्रमा की जमीन को होल्ड कैसे करेगा, मतलब कितना मजबूती से उसको पकड़ना होगा लैंड के बाद? ये जो है चंद्र पर ग्रेविटी तो है, क्योंकि उसका मास है, जिसके मास से उसकी ग्रेविटी भले कम हो पर होगी जरूर, तो वो जो है वो एक बार धीरे से अगर लैंड करने के बाद वहां रुक जाता है विदाउट डिसबैलेंस हुए, इंक्लिनेशन हुए, अगर स्ट्रेट लैंडिंग प्रॉपर होती है तो उसे कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। अच्छा। पर अगर चारों में से किसी एक लेग के ऊपर ज्यादा वजन आया तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, पर जैसा कि हम जानते हैं इस बार काफी प्रिसाइज मैकेनिज्म वहां भेजा गया है, तो तकलीफ होने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं। ये हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो एस्ट्रोनॉट्स भी आप लोगों की तरफ से बनाए गए, हमारा चंद्रयान तो खुद ही जो है सर्वाइव करता है। अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा पाए कि जो बेसिक सवाल होता है खासतौर पर बच्चों के मन में भी होता है कि चंद्रयान वहां पर जाकर काम क्या करेगा और हमारे देश के लिए क्या कुछ जानकारी? देखिए, देश के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जैसे कि हम जानते हैं कि रोवर पे भी तिरंगा हमने रखा है, तो दुनिया में से सबसे पहला देश भारत हमारा ऐसा होगा जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर अच्छे से सक्सेसफुल सफल तरीके से लैंड करेगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि आज तक ऐसी कोई खोज ज्यादा की नहीं गई है कि वहां पर साउथ पोल पे जाकर वहां पानी के बारे में रिसर्च करना, वहां पर जो वाटर आइस जमा है उसके बारे में खोज करना, और अर्थ पे ऐसे तत्व है जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो वहां पर कितने हैं, जिससे फ्यूचर में अगर हम और मिशन भेजना चाहे तो वो हम उनका उपयोग कर सकते हैं, तो उनके बारे में स्टडी की जाएगी। और चांद को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें उसकी जो टोपोग्राफी है, कहाँ पर क्या है, कहाँ कौन सा एलिमेंट है, वो जानना बहुत जरूरी है, तो इस पर खोज की जाएगी। हम तस्वीर पीछे देख पा रहे, एक रेप्लिका देख पा रहे हैं GSLV की, एक डिफरेंस आप हमें समझाएं कि इस बार GSLV का इस्तेमाल क्यों किया गया और PSLV, उसमें क्या फर्क? पहले तो चंद्रयान 1 में PSLV जो यूज किया था यहाँ पे, ओके, तो उसका फुल फॉर्म है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके। जैसे देख सकते हैं कि सर 2-3 स्टेज रॉकेट, जैसे ये जो छोटे रॉकेट है बूस्टर्स है, ओके, दे यूज दिस सॉलिड फ्यूल, फिर ये स्टेज 2 है, ओके, इसमें लिक्विड फ्यूल होता है, और जो ऊपर का है दैट इज द मेन प्रो, जिसमें वो पेलोड जाके ऊपर जाएगा, ओके। सो ये था चंद्रयान 1 में, सो PSLV था, तो चंद्रयान 1 में सिर्फ एक इम्पैक्टर था और एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर मतलब जो कम्युनिकेशन प्रस्तुत करेगा अर्थ से, प्रस्थापित करेगा, और इम्पैक्टर जानबूझ के छोड़ा गया था कि अगले जो मिशन है अपने चंद्रयान 2 और 3 कि उसके लिए इम्पैक्ट एक सैटेलाइट छोटा सा था जो क्रैश किया गया, कि देखने के लिए कि उसका कितना इफेक्ट पड़ता है, ओके। अब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में GSLV यूज़ किया है। द फुल फॉर्म ऑफ GSLV इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके, तो मतलब अर्थ के साथ ही वो सिंक्रोनाइज रहेगा, ओके। और इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें बड़े बूस्टर्स लगाए हैं, ओके, जिसमें दिस इज दी अगेन 3 स्टेज, दिस विल बी दी सॉलिड फ्यूल, जो स्टेज 2 है, ओके, उन्हें विकास जो इसरो ने डेवलप किए खुद क्रायोजेनिक इंजन से वो यूज़ किए थे, और स्टेज 3 में है उसमें वो पेलोड्स रहेंगे, ओके। सो चंद्रयान 2 और 3 में लैंडर और रोवर यूज़ किया था,
इट द ऑर्बिटर. ओके, सो लैंडर था अपना विक्रम और रोवर प्रज्ञान रोवर था जी. और जीएसएल जैसे वो एक सक्सेसफुल फेल्यूर हुआ था क्योंकि रोवर अपना एट द एंड ऑफ द लास्ट मिनट्स में 16 मिनट में वो मिसकम्युनिकेशन हुआ था उससे. तो अभी फिर से इट्स अ सक्सेसर, वी कैन सी इट्स अ सक्सेसर ऑफ चंद्रयान 2. हियर वी आर नॉट सेंडिंग द ऑर्बिटर, हम लोग ऑर्बिटर सेंड नहीं करके ऑलरेडी है चंद्रयान 2 का, मगर हम लोग प्रज्ञान रोवर और लैंडर है वो हम लोग इसमें GSLV-3 में Mach-3 में इसमें सेंड कर रहे हैं जो चंद्रयान 3 का जो मिशन ऑब्जेक्टिव है. ओके ये तो हम समझ पाए कि GSLV का इस्तेमाल कर चंद्रयान 3 भेजा गया है. मेरे कुछ बेसिक सवाल हैं आपसे कि जब चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी और जिस जगह को सिलेक्ट किया गया है लैंड करने के लिए ऐसा क्यों, और क्या पहले से ही हमारे पास तस्वीरें मौजूद होती है कि हमें वहाँ पर लैंड करना है? जो चंद्रा की सतह पे अगर किसी रोवर को कर रहा है लैंड करना है तो उसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है वो अर्थ की तुलना से पृथ्वी की तुलना से कम है. ओके, सो अभी जैसे प्रज्ञान रोवर जो लैंड हो रहा है उसका स्पीड होगा 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, तो उस हिसाब से वो धीमी गति से उतरना चाहिए नहीं तो फिर क्रैश हो जाएगा. ओके, अभी चंद्रयान 3 में उन्होंने शायद कुछ नई टेक्निक यूज़ की है कि ताकि वो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए. चंद्रयान में जिस वॉज इम्पैक्टर. ओके, तो ये डिफरेंस है. और दूसरा की कि उसका रेंज जो एरिया है दैट विल बी 500 meters. तो कहीं पे अगर वो गिर जाए या फिर मिसकम्युनिकेशन तो हो वो रेंज में आ सकता है. ठीक है, कि जब फ्लाइट लैंड होती है तो तमाम धूल मिट्टी उड़ते हैं. ये तो चंद्रयान सीधे मून पर लैंड हो रहा है, वहाँ की भी मिट्टी और सारी चीज़ें होगी. तो जब ये लैंड करेगा तो क्या उसकी तस्वीरें क्लियर हमारे पास पहुँच पाएंगी, क्या किसी तरह की और तैयारी की गई, कैमरा ब्लॉक हो जाए ऐसा कुछ? हाँ वो तो होगा क्योंकि उनको पता है कि वो जब लैंड होगा. ओके, तो वो दिखा सकते हैं कि हाउ मच इट इज लैंडिंग, दैट विल बी सीन व्हेन द एक्चुअल लैंडिंग विल बी देयर. मगर कुछ पैनल में कैमराज हो सकते हैं कि वो साइड में से देख सके, जैसे अपोलो मिशन के लिए भी यूज किए थे. अच्छा, वो हो सकता है उसमें. तो ये कैसे लैंड करेगा, डायगोनल होगा कि कैसे? दिस विल बी अ स्ट्रेट लैंडिंग. ओके, और उसके जो लेग्स है तो शायद वहाँ पे एक सिस्टम है शॉक ऑब्जर्व की जैसा कि जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए यूज़ करेगा. बिकॉज चांद की जो सतह है वो हार्ड, इट्स अ रॉकी. ओके, तो आराम से वो उसको उतार सकते हैं विद कंट्रोलिंग स्पीड ऑफ द रोवर. कुछ घंटे बाद हम सिर्फ ये कहेंगे उतर चुका है और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड. रोहन क्या कुछ कहेंगे कि आप बतौर लगातार स्पेस से जुड़े हुए हैं तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत इस चंद्रयान 3 से ले आएगा? अगर ये होप है, जैसे हम लोग ने 2 दिन पहले देखा कि रशिया का भी लॉन्च था वहाँ पे मिशन ये होना, मगर वो फेल्यूर होगा. हाँ. हुआ, मगर यहाँ पे अगर हम लोग सही सलामत उतरे. हाँ. तो अपना एक साउथ पोल पे जाने वाला पहला देश होगा भारत की, जो साउथ पोल पे अपना रोवर जी, जी जो उतार पाएगा. जी, और दूसरी मेन चीज़ कि चंद्रयान 1 के मिशन की वजह से ही सारी दुनिया को पता चला कि वहाँ पे पानी हो सकता है. जी, जी, बिल्कुल, साउथ बिल्कुल, बिल्कुल. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. जी. ओके, एंड फिर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है. हाँ. जैसे रशिया का जो रॉकेट लूना 25 था वो 5 दिन में गया था, मगर उसके लिए भी उतना कॉस्ट है. ओके, यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी असिस्ट यूज करके लो कॉस्ट में हम लोग उस पर चांद पे भेज रहे हैं तौर पर, लेकिन हम डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, उस कामयाबी हासिल कर रहे हैं. साफ तौर पर जो है रोहन ने हमें समझाया कि PSLV और GSLV में क्या अंतर है, इस बार क्यों GSLV का इस्तेमाल किया गया है. वो कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद चांद की सतह पर भारत का तिरंगा एक बार फिर से लहराएगा. कैमरा पर्सन संतोष देवते के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया TV, मुंबई.